2018 में हॉलीवुड फिल्म डेडपूल का सीक्वल आया था। फिल्म को बनाया था डेविड लीच ने। रायन रेनॉल्ड्स स्टारर डेडपूल 2 में ब्रैड पिट ने कैमियो किया था। तब खबरें आई थी कि ब्रैड ने फिल्म के लिए कोई पैसा नहीं लिया, मतलब कोई फीस नहीं ली, फीस के तौर पर सिर्फ एक कॉफी के कप से काम चला लिया। हालांकि बाद में न्यूज आई कि डेविड लीच और ब्रैड पिट साथ मिलकर एक फिल्म पर काम करने वाले हैं। वो फिल्म अब बनकर तैयार है। ब्रैड पिट के साथ एरन टेलर जॉनसन, सैंड्रा बलक, जोई किंग और माइकल शैनन जैसे एक्टर्स भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। इस फिल्म का नाम है बुलेट ट्रेन। हमने फिल्म देखी, आज के रिव्यू में बात करेंगे बुलेट ट्रेन की अच्छी और बुरी बातों पर। फिल्म में ब्रैड पिट के कैरेक्टर का नाम है लेडी बग, मतलब ये उसका असली नाम नहीं है, वो एक असासिन है, यानी पैसे लेकर हत्याएं करता है, इसलिए उसका कोड नेम मिशन के मुताबिक बदलता रहता है। यहाँ वो लेडी बग है। फिल्म उसके इसी नए मिशन से खुलती है कि उसे जापान की बुलेट ट्रेन में जाकर एक ब्रीफ केस छुपा कर लाना है, मतलब इससे आसान काम क्या ही होगा। यही सोचकर वो ट्रेन पर चढ़ जाता है, लेकिन ट्रेन पर चढ़ने वाला वो अकेला नहीं, मतलब वो अकेला असासिन नहीं, उसकी बिरादरी के और भी लोग दुनिया की सबसे तेज ट्रेन पर सवार हैं। उनके मिशन के तार लेडी बग से कितने जुड़ते हैं और कितने अलग रहते हैं, आगे पूरी फिल्म में यही देखने को मिलता है। ब्रैड पिट फिल्म के पोस्टर पर थे, पर सिर्फ वही नहीं थे, वो फिल्म के सबसे बड़े स्टार हैं। फिल्म इस बात को समझती है और उसे तरीके से इस्तेमाल भी करती है, बताते हैं कैसे। फिल्म सिर्फ उनके और उनके किरदार के इर्द गिर्द बनकर नहीं सिमट जाती, बाकी किरदारों के ट्रैक को भी बराबर जगह मिलती है। इन सभी में से मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगे लेमन और टेंजरीन नाम के असासिन, जिनके रोल निभाए ब्रायन हेनरी और एरन टेलर जॉनसन ने। उनकी नोकझोंक चलती है, बहस होती है, इन दोनों किरदारों का आपस में एक इतिहास भी है। फिल्म अपने सभी मेजर किरदारों की बैक स्टोरी आप तक पहुंचाना चाहती है, बस गहराई में उतरना उसकी मंशा नहीं, जितना टाइम उसके हाथ में है उसमें ये करने की कोशिश करती है बस। बुलेट ट्रेन का ट्रेलर देखते वक्त मेरे दिमाग में एक चीज़ आई थी कि ये दिमाग लगाने वाली फिल्म नहीं होगी। जैसे मान लीजिए आपने हफ्ते भर ऑफिस आदि का काम किया, अब वीकेंड पर चिल करने का मन है, कोई ऐसी फिल्म देखने का मन है जहाँ दिमाग ना लगाना पड़े, एक्शन सीन्स होंगे, इनके आगे और पीछे कॉमेडी होगी, कुल मिलाकर ऐसी फिल्म जहाँ बस इंजॉय कर सकें। बुलेट ट्रेन बिल्कुल वैसी फिल्म साबित होती है। एक लाइन में बताऊं तो एक फन फिल्म है, एक्शन सीक्वेंसेस आपको एंटरटेन करेंगे, खून खराबा होगा और उसकी इंटेंसिटी बस जॉन विक नुमा नहीं। फिर आती है फिल्म की कॉमेडी। फिल्म कभी भी पंचेस ड्रॉप करने की कोशिश नहीं करती, यानी किरदार कुछ डायलॉग कहें और आपकी हंसी ना रुके, ऐसे डायलॉग जो सिनेमा घर के बाहर आने के बाद भी आपको याद रहते। बुलेट ट्रेन ऐसी कॉमेडी का सहारा नहीं लेती, उसकी जगह ये सिचुएशन और डार्क ह्यूमर की मदद लेती है। सीरियसली लगने वाली परिस्थिति में कुछ ऐसा घट रहा होगा जिस पर आपको हंसी आएगी, फिर लगता है कि क्या वाकई यहाँ से आनी चाहिए थी। जैसे एक सीन में लेडी बग किसी से लड़ रहा होता है, उसे मार डालता है, दूसरा किरदार उसके सामने तड़प रहा है, ऐसे में लेडी बग उसे पानी पिलाने का ऑफर करता है, गिनती गिनने को कहता है, वो बातें कहता है जिससे सामने वाला शांत हो सके। ये एक्शन और कॉमेडी वाला सिंक पूरी फिल्म में चलता रहता है। साथ ही चलती है एक और चीज़, वो है फिल्म की फिलॉसफी कि हर चीज़ कैसे आपस में जुड़ी हुई है, एक इंसान ने कुछ किया और उसका असर कैसे कई और लोगों पर पड़ सकता है। इसी फिलॉसफी के साथ बुलेट ट्रेन एक और चीज़ बिल्डअप करती है, वो है एक खतरनाक आदमी, बेरहम किस्म का, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। पूरी फिल्म में बस उसके नाम की हवाबाजी चलती है, हवा बनी रहती है मतलब। फिर आता है क्लाइमैक्स जहां हमें इस शख्स के दर्शन होते हैं, बस यही फिल्म अपने आप को समेट कर नहीं रख पाती। क्लाइमैक्स से पहले तक इतने लोगों की कहानी एक साथ चल रही थी, सबको टाइम मिल रहा था, जिस वजह से कुछ खलता नहीं। क्लाइमैक्स पर आकर वो मामला थोड़ा हिल जाता है। बावजूद इन छोटी मोटी खामियों के आप फिल्म को इंजॉय जरूर करेंगे। रिव्यू की शुरुआत हमने की थी ब्रैड पिट से, उनका किरदार ऐसा है जो चीज़ों में फंस गया है, कन्फ्यूज्ड है, फिर भी रिलैक्स रहने की कोशिश करता है। ब्रैड इसी कन्फ्यूजन में चिल्ड आउट रहने वाले एटीट्यूड को आराम से कैरी करते हैं। रिव्यू की शुरुआत भले ही उनके नाम से हुई, लेकिन इसे खत्म करेंगे जोई किंग से, वो भी फिल्म में एक असासिन बनी है। जैसा उनका किरदार है, उनके लिए जोई एक परफेक्ट कास्टिंग चॉइस लगती है, शक्ल से भोली लेकिन अपने पर आए तो कोई रहम ना दिखाए। जोई इन दोनों मोड के बीच आसानी से स्विच कर लेती है। ये फिल्म परफॉर्मेंस हैवी सिनेमा नहीं है, ये पहले ही बता दूं, लेकिन ऐसे में भी अच्छा लगता है जब एक्टर्स अपने किरदार को सीरियसली लेते हैं। यहाँ ये बात सभी मेजर एक्टर्स पर लागू होती है। अगर पूरे रिव्यू को या फिल्म के एक्सपीरियंस को एक शब्द में बांधना हो तो वो शब्द होगा फन। यहाँ ये शब्द एक भाव है जो पूरी फिल्म को बांध कर रखता है। स्क्रीन पर कुछ भी चल रहा हो आपको फन मिलेगा, पूरा फन मिलेगा, रिलैक्स होकर इन फिल्म को एंजॉय कर पाएंगे। बाकी आज के रिव्यू में इतना ही। मैं हूँ यमन और कैमरा के पीछे हमारे साथी जतिन, शुक्रिया।